इस व्यक्ति को दो चीज की भूख लगती है और प्रतिदिन लगती है, प्रतिदिन। कौन कौन सी भूख है? शारीरिक भूख। और बेटा थोड़ा जोर से बोल, पब्लिक को भी सुनने दे और यहाँ पे भी सुनने दे, वापस बोल। शारीरिक भूख और आत्मिक भूख। शुक्र है कि इसने कुछ तो बोला, लेकिन जवाब गलत है। लेकिन कम से कम मुंह तो खोला, दाऊद तैयार हो रहा है। दाऊद नहीं। इस व्यक्ति को, इस लड़के को, इस जवान को दो चीज की भूख लगती है प्रतिदिन। वो दो भूख का नाम बताइए, दो खुराक का नाम बताइए। इसको दो खुराक लगती ही है प्रतिदिन, और अगर नहीं मिली तो ये तड़पेगा। ये दो खुराक का नाम क्या है, या वो दो भूख क्या है? एक भोजन, किसने कहा सही जवाब? एक कहते हैं पेट की भूख और दूसरा है शरीर की भूख। अब बत्ती जली। एक है पेट की भूख और दूसरा है शरीर की भूख। ये पेट की भूख के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, और जब तक आदमी के पेट में खाना ना जाए, कहते हैं कि दिल की बात पेट से होके गुजरती है। याद आ गया? दिल की बात। एक कहता है कि मैं तुझे जीवन भर प्यार करूंगा, लड़की बोलती है पहले कमा के दिखा, तू मुझे प्यार भी करता रहेगा कि खाना भी खिलाएगा। याद आ गया कुछ? तो फिर इसको कहते हैं कि पेट की भूख, और ये पेट की भूख के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, बाप से लड़ बैठेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये बाप से लड़ बैठेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे, मेरे को भूख लग रही है। ये माँ से लड़ बैठेगा कि खाना क्यों नहीं बनाया, मुझे भूख लग रही है। ये पत्नी से लड़ बैठेगा, शादी नहीं हुई शायद, ये पत्नी से लड़ बैठेगा कि मेरा खाना किधर है। याद आ गया? और भूख ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना, जो इसको चोरी तक करवा सकती है। भूख ऐसी चीज है पेट की कि किसी का कत्ल तक कर देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? बात समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रही है आपका, ये जो भूख है ना, आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। ये सुनो, बात करते हैं इसके शरीर की भूख। आप समझ रहे हैं शरीर की भूख, या जो आंखों से होके जाती है, और अगर आंखों ने देख लिया तो दिमाग पे चढ़ती है। और किसी ने कहा है कि कोई भी चीज अगर दिमाग में चढ़ गई, आदमी को बिगाड़ देती है। पैसे का नशा दिमाग में मत चढ़ने दो, घमंड का नशा दिमाग में मत चढ़ने दो, किसी सांसारिक चीज का नशा, कम ऑन, दिमाग में मत चढ़ने दो। और अगर ये दिमाग में चढ़ गई, और अगर दिमाग में रह गई, आपकी रातों की नींद खराब कर देगा, तुम सो नहीं पाओगे। क्यों? दिमाग में वही घूमेगा। अगर किसी को इसने देख लिया, ऐसे कह रहा हूं बेटा, अगर किसी को इसने देख लिया तो एक बार देखा ठीक है, दिमाग में नहीं चढ़ती, लेकिन अगर फिर देखोगे तब दिमाग में चढ़ दिया, और फिर देखोगे, और देखते देखते दिमाग से ये उतरता है दिल में, और फिर जब दिल बेचैन होता है तो वो सब चीजें हरकत करवाता है शरीर से, जिसको कहते हैं शरीर की भूख। तो मैं फिर पूछूंगा कि आपको रोक कौन रहा है? कितने लोग समझ गए? आपको रोक कौन रहा है? मैं बहुत सारी बातें खुल के नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जवान बच्चे यहां पे बैठे, और मेरा मैसेज भी आप लोगों के लिए, लेकिन उतना खुल के नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। आप जब मोबाइल पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहां पर आपकी आंखों की तड़प बढ़ जाती है। यस और नो? वो सब कुछ देखने को कहता है आपका शरीर, क्योंकि उसको भूख लगी है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप जैसे ही रोटी देखते हो आपको भूख लगती है, आप बिरयानी देखते हो आपको भूख लगती है, वैसे ही आप कोई ऐसी चीज देखते हो तो आपका शरीर को भूख लगती है। और ऐसे टाइम पे जैसे तुम रोटी खा जाते हो बिना शर्म के, कितने लोग समझ रहे हैं, वैसे ही तुम शरीर की खाना खा जाते हो बिना शर्म के। और ऐसे टाइम पे आपको जब पेट की भूख लगती है आपको कोई नहीं दिखता, जब शरीर की भूख लगती है आपको कोई नहीं दिखता, तो वो तो ठीक है, आपको वो तक नहीं दिखता। यस और नो? कितने लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं? एक नया नाटक चल रहा है। थैंक यू ब्रदर। एक नया नाटक चल रहा है आजकल, बता सकता हूं जल्दी से? आजकल ऐसा चल रहा है, लड़कियों नाराज नहीं होना, आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़कियां लड़कों को फंसा रही हैं। एक ऐसा टाइम था कि लड़के लड़कियों को फंसाते थे, अब ऐसा दौर आ गया है कि लड़कियां
लड़कों को फंसा रहे हैं, और जब लड़का कोई फंस जाता है तो उनके बाद उसके बाद माफ करना दूसरा ट्रैप शुरू होता है। ट्रैप समझते हैं? ट्रैप ट्रैप फंदा 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 जाल, वो दूसरा ट्रैप स्टार्ट होता है उसको ब्लैकमेल करने का कि जैसा मैं कहती हूं अगर नहीं किया और जो मैं कहती हूं अगर वो नहीं लाया और अगर जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं किया, तो लड़का पहले उसके चक्कर में सोचता है कि लड़की बहुत अच्छी है। लड़कियों गुस्से से मत देखो, इनके पास भी आऊंगा। लड़के सोचते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मेरा साथ देगी। अगर अच्छी मिल गई तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसी वैसी मिल गई तो उसका बीच का जो हिस्सा है ना, जवानी, माफ करना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो जो बीच का हिस्सा है कौन सा है? वो जवानी, जो वापस कभी उसको पूरा खा जाती है, उसको पूरा खा जा। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। और जो यहां पे कुछ बैठे हैं ना, जो मेरी बात को कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप उस ट्रैप में शायद फंस भी चुके हैं कि जैसे ही सुबह उठो अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा तो आपको कैसे पता लड़का फंस चुका है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आज मेरा बर्थडे है, अगर गिफ्ट लाकर नहीं दिया, इसको कहते हैं ब्लैकमेल। फिर लड़का जो पहले सुकून से सोता था ना, लड़का जो पहले बिल्कुल आराम से रहता था ना, उसकी रातों की भी नींद खराब, दिन का चैन खत्म। और आदमी को देखो उसके चेहरे पे दिखेगा, जिसका ये चक्कर चल रहा होता है ना, उसके चेहरे पे दिख जाता है कि बंदा पक्का फंस गया है। ऐसा तड़पता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात, उसका माइंड एक जगह पे रहेगा ही नहीं। और ऐसे ही पता लगा सकते हो कि बंदा कितना अंदर जा चुका है। ये सुन लो, लगे हाथ और एक बोल दूं जल्दी से, अगर सब लोग ठीक है। बर्तन खरीदो वापस होगा, कपड़ा खरीदो वापस होगा, जूता खरीदो वापस होगा, और कुछ भी खरीदो, यहां तक कि घर भी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, बदल सकते हो। एक बार गलत लड़की गलत लड़का हाथ लग गया, आगे का बोल दीजिए ना, शादी के बाद नहीं बदल सकते। ये लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है। अब क्योंकि कैमरा चल रहा है वहां तक रिपोर्ट जाएगी, ऐसी टीचिंग अगर मुझे 27 साल पहले मिली होती, आप लोग समझ गए लगता है, ऐसी टीचिंग अगर 27 साल पहले मिल गई होती मैं भी आराम से सोचता। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है जिस जिसकी नहीं हुई, और खास करके जो बिल्कुल सिंगल है, सिंगल समझते हैं। और एक बोल दूं, मेरा लड़का अभी 9th पास करके 10th में गया ब्रदर। मैं उसको एक दिन लेकर लेने के लिए स्कूल गया था, और मैंने देखा, वो तभी 9th में था, मैंने देखा कि 5th class 6th class की लड़कियां लड़के ऐसे बाहर आ रहे हैं स्कूल से, और मेरा लड़का फिर बाद में आएगा। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि इनकी हरकतें क्या हो रही है। मैं आपको नहीं बता सकता इशारा करके कि वो आपस में कैसे कैसे इशारा कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से व्यभिचार वाला इशारा। मैं ताज्जुब हो गया कि 5th 6th class की बच्चियां लड़के छोटे छोटे अगर ऐसा इशारा कर रहे हैं तो ये फिर हरकतें कैसे करते होंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि इसके पहले के बुरे दिन आए, याद आ गया, सब उपदेशक 12:1, विपत्ति के दिन आने से पहले अपनी जवानी में परमेश्वर को याद रख। याद आया कुछ? बाहर की दुनिया बहुत बिगड़ गई है, कितने लोग समझ रहे हैं? और ऊपर से दाऊद का, माफ करना, गोलियात का नाटक चल रहा है, मेरा हाथ देख लो 40 दिन से, और वो वेट कर रहा है कि दाऊद कब आएगा, दाऊद कब आएगा, दाऊद कहां से आएगा, दाऊद तो किसी और के चक्कर में। तो मैं फिर पूछूंगा, आपको रोक कौन रहा है? दो तरह की भूख, रोटी की भूख है, चलेगा, आज नहीं मिला चलेगा, 1 घंटे के बाद मिला चलेगा, लेकिन अगर शरीर की भूख लगी है उसको जितना हो सके कंट्रोल करो, क्योंकि पौलुस कहता है मैं खुद को मारता पीटता कूटता ताकि मैं वश में ला सकूं। आप है मेरे साथ में? सुनो सुनो, मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं। जब बच्चियों, लड़कों, लड़कियों, जब तुम घर पे अकेले होते हो ना, तो तब ये भूख ज्यादा लगती है। बाप रे, बात समझ में आ गई?
जब तुम घर पे अकेले होते हैं ना तो शरीर का भूख ज्यादा लगता है, और जब अगर सामने लैपटॉप टैब और मोबाइल खुला हो तो ये भूख और बढ़ती है। और अगर आप बाहर घूमने गए, खास करके शहरों में जहां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, और वो आंखों की भूख और बढ़ती है। कमोन ये सुनो, और आप अगर आपको कोई खुला ओपन वेलकम कर रहा है, खुला ओपन वेलकम समझते हैं, आपको अगर कोई वेलकम कर रहा है कि आप आ सकते हो, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, ऐसे टाइम पे तो आपको आपकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन वो लॉटरी के नाम पे बहुत बड़ा ट्रैप है, ट्रैप समझते, फंदा। और ये ऐसा दलदल है, आगे बोल दीजिए, जो आदमी जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है और वापस कभी नहीं आता। आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, आप बाहर नहीं आ पाओगे। मुझे ऐसे ऐसे प्रार्थना निवेदन आते हैं कि 80 साल का बुढ़ा एक बार मुझे कॉल करता है, कहता है कि मेरी जो भूख है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। 80 साल का बुढ़ा, बताइए। तो बाहर की दुनिया ऐसी है, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरा दाऊद कहाँ है, परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरा यर्मिया कहाँ है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, बात पट रही है? यहां बस मैं खत्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ कौन कौन है जो पिक्चर का गाना सुनता है, ईमानदारी से हाथ उठाइए। पिक्चर का गाना, पिक्चर के गाने, राजकुमार, ये क्या नाम है तुम्हारा, हाँ राज कपूर, राज कपूर का एक गाना था, पता है आपको, जीना या मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, देखो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, वो खुद गाया और खुद गया। गाना सुना है कि नहीं सुना है? ये गाना सही है कि गलत है? ये गलत है, ये गाना गलत है, क्योंकि जीना यहाँ है लेकिन मरना यहाँ कैसे? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। बाइबल कहती है आदमी मरता है उसके बाद में अनंत काल का न्याय है। राज कपूर साहब को अभी पता चल रहा होगा बैठे बैठे, आप है मेरे साथ में। और एक गाना निकला था, 100 तरह के रोग ले लूं तू कहे तो जान दे दो, 100 तरह के रोग ले लूं तू कहे तो जान दे दो। जिसको खुद 100 तरह का रोग है तू तो वैसे ही मरने वाला है, तू जान कहां से देगा। ऐसे गाने बनते हैं बात। तो फिर पूछ रहा हूं कि पिक्चर के गाने कौन कौन सुनता है? अगर आप सुनते हैं आपके मोबाइल में पिक्चर का गाना, तो जितना भी गाना अभी मोबाइल में है उसको डिलीट मारो। पूछो क्यों, पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। अच्छा, तो जो जो पूछ रहा है इसका मतलब रखा है। आपके मोबाइल में एक भी पिक्चर का गाना नहीं होना चाहिए अगर दाऊद बनना है, अगर आपको परमेश्वर के काम के लिए। अब ये जो बच्चे हैं ना, ये लोग जो साउंड वाले, ये लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहा है, पिक्चर का गाना सुनने में क्या दिक्कत है, अच्छे से नींद आती है। ये जो तुम्हारा किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सोनू निगम, ये जितने भी है ना मुंबई वाले सिंगर्स, ये खुद दारू पी के सोते हैं, इनको खुद को रात को नींद नहीं आती, इनके खुद के गाने पे तो आपको कहाँ से आ जाएगी। अरे भाई, गाने के बजाय वचन डालो, वचन डालो। ऑडियो बाइबल आती है आजकल, वो डालो। 10-5 मिनट और ले रहा हूं। एक कहावत है कि जिस गांव को जाना नहीं, जिस रास्ते को जाना नहीं है उसका एड्रेस क्यों पूछना। हमारा रास्ता ये नहीं है ना, हमारा रास्ता तो प्रभु है, तो फिर हम संसार की बातों को लेकर क्यों चलें। एक मिनट इधर आओ, उसको रख के आओ, आप पहले इसको ठीक से देखो। आपको नहीं लगता है 1.5 किलो का है? आप साथ में है ना इनके? इनका लगेज कितना बड़ा है? मैंने इनको बुलाया था मेरे साथ में छत्तीसगढ़ खेड़ागढ़ में। मैंने कहा अंबिकापुर से मैं जा रहा हूँ खेड़ागढ़, खेड़ागढ़, खैरागढ़, खैरागढ़, और वहां से रांची। मैंने कहा तुम भी साथ में चलो, आप इसको ठीक से देखो, और ये जो लगेज लेकर आया, इधर तक तो उसका लगेज है और ऊपर से और अलग अलग से एक ब्लैक बैग और ऊपर से ऐसा वाला स्टैंड, और मुझे नहीं पता था, मेरी गाड़ी के साथ में आया था तभी मैं, और मैंने पीछे जाके देखा, मैंने बोला ये किसका है? तो हमारे बच्चों ने बोला इसका है। तो ये ऐसा आदमी है जो खुद से ज्यादा वजन वाला लगेज लेके घूमता है। अगर इसको रखा जाए एक तराजू में और दूसरे पलड़े में इसका बैग रखा जाए, बैग ज्यादा वजन निकलेगा, जबकि ये निकलना चाहिए। आप नहीं समझे, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, आप नहीं समझे, अभी बताता हूं। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एक्स्ट्रा लगेज लेके घूम रहे हैं,
कोई गर्लफ्रेंड का लगेज, कोई बॉयफ्रेंड का लगेज, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लगेज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझते हैं, शादी के बाद भी एक चक्कर, बाप रे। और ये सब लगेज लेके घूमते हैं, और ऊपर से जब सब हो जाता है, मतलब पूरी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर तीसरा चौथा और लगेज ढूंढते हैं। अरे भाई बस कर इतना लगेज, बोला नहीं और लाओ। तो फिर पैसे का लगेज, लालच का लगेज, संसार की बातों का लगेज, और व्यक्ति का खुद का घमंड का लगेज, ये सब लेकर ये गोलियत कैसे, माफ करना, ये दाऊद कैसे बनेगा बताइए। बाप रे, परमेश्वर ने क्या कहा गोलियत, सॉरी दाऊद को, नाले में जा, पांच पत्थर उठा, और वो भी कौन सा, जो मैं बताऊं। तो इसका मतलब क्या है, एक दाऊद को अपना लगेज नहीं चुनना है, दाऊद का लगेज प्रभु चुनेगा। आपके पॉकेट में कौन सा, क्या कहते हैं उसको, पत्थर होना चाहिए, ये तय प्रभु करेगा, लेकिन ये बंदा तय कर रहा है। आप नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा, ये मतलब तुम, थैंक यू थैंक यू, ये मतलब तुम, कितने लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं। आज के बाद पिक्चर का गाना बंद, थिएटर जाते हैं, यहाँ पे थिएटर्स हैं, थिएटर्स नहीं है, ओके, अगर कहीं पे भी है, शाहरुख खान, सलमान खान और कौन कौन खान है पता नहीं, इन सब के पिक्चर जब निकलते हैं तो आप लोगों का दिल मचलता है, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। आपको बताया 3 घंटा थिएटर में बैठने से बजाय आप 3 घंटा खुद की उन्नति के लिए बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मा जीतो, 3 घंटा बैठने के बजाय, खुद को खराब करने के बजाय आप ये काम कर सकते हैं ना, कम ऑन यस और नो। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कई जगह जाएगा, बंद करो ये सब, ना पिक्चर के गाने, ना थिएटर्स, ना लगेज एक्स्ट्रा जैसा ये लेके घूमता है। आपका लगेज सिर्फ प्रभु होना चाहिए, आपका लगेज सिर्फ परमेश्वर का बातें होना चाहिए। और जिस दिन ऐसे आप तैयार हो गए,